हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम 16 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय फ्रॉम ए टेस्ट रेंज इन ओडिशा। द ऑल वेदर मिसाइल हैज ए 1000 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज। भारत ने ओडिशा में एक परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित परीक्षण किया है। यह ऑल वेदर मिसाइल 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ है। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल एंड द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए कैरियर एग्नोस्टिक सेफ्टी ऐप नेम्ड माई सर्किल विच हैज बीन डिजाइन टू एम्पावर वुमेन इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्ट्रेस और पैनिक सिचुएशन। भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने माई सर्किल नाम से एक कैरियर एग्नोस्टिक सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है, जिसे किसी भी संकट या घबराहट की स्थिति में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाटर पार्क वाज इनोग्रेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा एम्ड एट इंक्रीजिंग वाटर अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। मतदाता जागरूकता बढ़ाने और लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी तरह के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट्स साइंड हस्ताक्षरित समझौतों की। द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैव जॉइंड हैंड्स टू मैप वैलिडेट एंड प्रोटेक्ट स्मॉलर वेट लैंड्स इन कोस्टल रीजन्स। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने तटीय क्षेत्रों में छोटे आर्द्रभूमि क्षेत्रों के मानचित्रण सत्यापन और सुरक्षा के लिए समझौता किया है। कार्यक्रम तटीय आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बहाल करने के उद्देश्य से है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। UAE इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट टू एम्पावर ग्लोबल डायलॉग ऑन द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड सोसाइटी। द इनॉग्रल AI Everything AIE will take place at the Dubai World Trade Center. UAE सरकार व्यापार और समाज के भविष्य पर वैश्विक बातचीत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया के अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उद्घाटन AI Everything AI Dubai World Trade Center में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। विभू कल्याण नायक बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड चेयर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी बाय द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। विश्व शासी निकाय द्वारा विभू कल्याण नायक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट, प्रोफेसर नजमा अख्तर वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द चार्ज।
प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वह यह पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। डॉक्टर ए के सिंह डायरेक्टर एट लाइफ साइंसेस DRDO हैज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 ड्यूरिंग फोर्थ APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। DRDO के निदेशक डॉक्टर ए के सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में चौथे अब्दुल कलाम आजाद इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान DRDO ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, एन इमेज ऑफ ए लिटिल गर्ल क्राइंग एज सी एंड हर मदर हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय US बॉर्डर ऑफिशियल्स इन टेक्सास वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। वेटरन गेटी फोटोग्राफर जॉन मुरे टुक द पिक्चर इन द रियो ग्रांड वैली इन जून 2018। एक रोती हुई छोटी लड़की की तस्वीर जिसे उसकी मां के साथ अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है, इस छवि को टेक्सास में प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। दिग्गज गेटी फोटोग्राफर जॉन मुर ने जून 2018 में रियो ग्रांडे घाटी में यह तस्वीर ली थी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस न्यूज व्यापार समाचारों की। PayU डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड पेमेंट फैसिलिटेटर हैज एक्वायर विबमो ए US बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म फॉर $70 मिलियन अबाउट 484 करोड़ रुपीज टू असिस्ट द कंपनी स्केल अप इट्स बिजनेस। PayU डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड पेमेंट फैसिलिटेटर ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए US आधारित फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म विबमो का $70 मिलियन लगभग 484 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिवसों की। द वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 ग्लोबली फ्रॉम 7 to 13 अप्रैल 2019। द थीम फॉर वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 इज द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। विश्व एलर्जी संगठन ने विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 को विश्व स्तर पर 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2019 तक आयोजित किया है और विश्व एलर्जी सप्ताह का 2019 का विषय है द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। इथियोपिया एथलीट्स गैलेट बुरका वुमेन्स रेस एंड अब्राहम मिलाओ मैंस रेस वॉन द 43rd एडिशन ऑफ द पेरिस मैराथन। दे लेड ए रिकॉर्ड 60,000 पार्टिसिपेंट्स टू द फिनिश लाइन थ्रू द फ्रेंच कैपिटल। इथियोपिया के एथलीट गैलेट बुरका जो कि महिला दौड़ और अब्राहम मिलाओ को पुरुष की दौड़ में पेरिस मैराथन का 43वां संस्करण दोनों ने जीत लिया है। उन्होंने फ्रांसीसी राजधानी में समापन रेखा में 60,000 प्रतिभागियों का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, फेमस गोल्फर टाइगर वुड कंप्लीटेड वन ऑफ द स्पोर्ट्स ग्रेट ऑल टाइम कॉम्बैक टू एंड एन 11 ईयर मेजर टाइटल ड्रॉट एट द मास्टर्स बाय क्लेमिंग ए 5th ग्रीन जैकेट। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स ने 5वीं ग्रीन जैकेट जीत मास्टर्स में 11 वर्ष बाद प्रमुख खिताब प्राप्त कर बेहतरीन वापसी की है। नेक्स्ट, इन मोटर रेसिंग लेविस हैमिल्टन वॉन द चाइनीज ग्रांड प्रिक्स फॉर ए रिकॉर्ड 6th टाइम। ही सीज्ड द ओवरऑल लीड फ्रॉम हिज मर्सिडीज टीममेट वाल्टेरी बोटास इन फॉर्मूला 1000th वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। द कंफर्टेबल विन वाज द 75th ऑफ हैमिल्टन कैरियर एंड सेकेंड इन ए रो। मोटर रेसिंग में लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 6th बार चाइनीज ग्रांड प्री जीत ली है। उन्होंने फॉर्मूला 1 की 1000वीं विश्व चैंपियनशिप रेस में अपने मर्सिडीज
टीम मेट वाल्टेरी बोटास से समग्र बढ़त हासिल की। यह आसान जीत है, हैमिल्टन के कैरियर की 75वीं और लगातार दूसरी जीत थी। नेक्स्ट, इंडिया बैग्ड ए गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स एट द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप एट कोलंगो इन जर्मनी। मीना कुमारी मैनम मैजनम फ्रॉम मणिपुर क्लेम्ड द गोल्ड मेडल इन 54 किलोग्राम कैटेगरी। भारत ने जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग विश्व कप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत लिए हैं। मीना कुमारी मैसनम, जो कि मणिपुर की निवासी है, ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और आइए बात करते हैं लास्ट और नेक्स्ट न्यूज की, ऑप्टूरिज निधन। रिनॉल्ड हिंदी पोइट प्रदीप चौधरी चौबे पास्ट अवे ऑफ ए कार्डियक अरेस्ट। चौबेज 70 ईयर्स ओल्ड वाज द यंगर ब्रदर ऑफ सेलिब्रेटेड होम्योपैथिस्ट सैटिरिस्ट एंड पोइट सेल चतुर्वेदी। प्रख्यात हिंदी कवि प्रदीप चौबे का पूर्ण हृदय रोग के कारण निधन हो गया है। चौबे, जो कि 70 वर्षीय थे, प्रसिद्ध हास्य कवि व्यंगकार और कवि सैल चतुर्वेदी के छोटे भाई थे। हास्य के अलावा वह व्यवस्था पर व्यंग्य टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी अन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।